सैकड़ों युवा जो है हाथों में भारत का झंडा लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के हाथों में बैनर लेकर यहाँ पहुँचे हुए सीधे बात करते हैं। सरकार के नए अग्निपथ स्कीम का विरोध पूरे बिहार में हो रहा है। अब राजधानी पटना में भी जो छात्र हैं सड़क पर उतर गए हैं। आप देखिए किस तरह कारगिल चौक पे सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं अपने मांगों को लेके बीच सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताजिम है मेरा नाम। अच्छा, क्या आप लोग का मांग है? हम लोग का मांग है जो सेना में जो बहाली होते थे वो पुराना प्रक्रिया से बहाली किया जाए। एक अग्निपथ का हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि बताइए आप 4 साल हम लोगों को ले जाके काम ट्रेनिंग करवा के फिर वापस घर भेजेंगे, ताकि हम लोग बेरोजगार आदमी यहाँ क्या करेंगे अभी बताइए। क्योंकि हम लोग अपराधी मजबूरन बनना पड़ेगा, इसलिए नरेंद्र मोदी जी आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द अग्निपथ को वापस लें, नहीं तो हम छात्र अपने शरीर में पेट्रोल डालकर अपना आत्मदाह कर लेंगे। अग्निपथ योजना क्या है? अग्निपथ योजना ये कह रहा नरेंद्र मोदी जी, आप 4 साल के अंदर आपको ट्रेनिंग करा के आप उसमें से जो 25% बच्चे होंगे उसमें से चूज करके आप ले जाएंगे। तो आपका कहने का मतलब है जो इससे पहले जो सेना में जाते थे लोग अनफिट जाते थे क्या? अभी आप बोल रहे 25% उसमें से सेलेक्ट करेंगे, तो इससे पहले जो जाते थे सेना में वो अनफिट जाते थे क्या? मोदी जी आपके बात के अनुसार यही होता है, इसलिए हम बोलते हैं 4 साल हमको नहीं चाहिए। हम लोग पैसा के लिए भी नहीं है, और दूसरी बात हम लोग जाएंगे सरहद पे अपने देश की सेवा करने के लिए, अपने सीना में गोली खाने के लिए। इसलिए मोदी जी आप हम लोग जितना शरीर में जोश है खून है उतना मरते दम तक देश की सेवा करेंगे, इसलिए आप हमारा जो पुराना नियम है उसी नियम को लाइए और हम लोगों को फिर आर्मी में बहाली कीजिए और थल सेना वायु सेना जल सेना की आप प्रक्रिया शुरू करें। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं अग्निपथ जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन होने वाला है, ये तो अंग्राही है मोदी जी। हम छात्र क्योंकि अगर बिहार के हिंदुस्तान के अंदर 65% युवा है, अगर युवा चाह ले तो सरकार गिरा सकती है, युवा चाह ले तो सरकार बना सकती है। इसलिए मोदी जी आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द अग्निपथ वापस लें, 2024 में आपका सरकार देना तय है। ये ताजिम कह रहा है पटना के गांधी मैदान कारगिल चौक से, अगर आप ये वापस नहीं ले रहे हैं तो हम लोग बहुत ही जल्द से जल्द ये पूरे पटना से लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक ये आंदोलन करेंगे कि लोगों को एक आने अनाज की दाने गिराने के लिए भीड़ में जगह नहीं बचेंगे। इसलिए मोदी जी आप जल्द से जल्द इसको वापस लें स्कीम को, ये स्कीम युवा विरोधी स्कीम है, इसको हम लोग वापस लेना पड़ेगा आपको। तस्वीर है पटना के कारगिल चौक की, जहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो युवा हैं छात्र हैं इकट्ठा हुए हैं। आप लोग क्या मांग को लेके आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, सरकार जो अग्निपथ योजना लाई है जिसमें अग्नि ब्यूरो का भर्ती करेगी, मतलब इसका कोई औचित्य नहीं है। भारत जैसे देश में जहां अधिकांश आबादी सेना के प्रति आस्था रखती है, उस देश में ये 4 साल का जो आप शॉर्ट टर्म में स्कीम लेके आए हैं इसका क्या औचित्य है? सेना एक संवेदनशील चीज़ होता है, कई मापकों पे सैनिक जो भर्ती होते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, हर एक तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है। लगभग एक सैनिक को तैयार होने में 3-4 साल का समय लगता है और बहुत सारे मोर्चों पे सैनिकों को लड़ना होता है। 4 साल में लेके आए हैं, मतलब समझते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, पलक झपकते 4 साल बीत जाएगा, ना उनके पास धन होगा ना कोई पूंजी होगा, और वो फिर तरह से एक भिखमंगे के तौर पे जिस तरह से हम लोग अभी बिना किसी प्रकार के इकोनॉमिक बैकअप के हम लोग हैं वर्तमान में छात्र जो हैं, उसी तरीके से उन लोग का भी जीवन हो जाएगा। 10 लाख 11 लाख रुपया जो सरकार देकर आपको वापस भेजेगी वो कितना दिन में खर्चा होगा कोई उसका ये नहीं है, एक समय सीमा नहीं है। और सैलरी कितना दे रही है? 30,000 में भी 8,000-9,000 काट लिया जाएगा, उस सैलरी का क्या? सेना में आप काम करिएगा उसमें इतने कम समय में लड़का अगर कोई गोली खा गया कोई देश के लिए ये हो गया तो क्या उसका एश्योरिटी है कि सरकार उसको बैकअप देगी उसके परिवार को ये करेगी? तो इसका कोई ये नहीं है। विदेशी देशों से आप देख के कॉपी कर रहे हैं, तो पहले विदेशी देशों के कंपेयर में अपने आप को मजबूत करिए ना उस लेवल से, जुमला दे के। और एक होता है ना कि तिलिस्म में लड़कों को छात्रों को आप खुद ये गायब कर दे रहे हैं, एक तिलिस्म फैला रहे हैं उसी तिलिस्म में लड़कों को झोंक दे रहे हैं, तो ये तिलिस्म वाला चीज़ नहीं, वास्तविक जीवन जीना है। जो लड़का अपना खून पसीना बहा के आप गांव में जाके देखिए
यहाँ पटना में गांधी मैदान में जाके देखिए, मोइनुल्लाह के स्टेडियम में पहले लड़के तैयारी करते थे, तो जाके वहाँ देखिए किस तरह से लड़के दिन रात अपना खून पसीना करके तैयारी कर रहे हैं। तो पूरी तरह से सरकार उनके अरमानों पर कुठाराघात कर रही है और इसका पूरी तरह से प्रतिकार छात्र कर रहे हैं, छात्र पूरी तरह से आक्रोशित हैं। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या आप लोग चाहते हैं? सरकार जो नियमित भर्ती पहले आर्मी में करती थी उसी भर्ती को सरकार फिर से शुरू कर दे। अच्छा, हम लोग शांत हो जाए। कितने दिन से बैन है जो नियमित भर्ती? मैंने सरकार जितने दिन से ये कर रही है, इसका घोषणा की है, जितना दिन तक उसको वापस नहीं लेते उतना दिन तक हम लोग आंदोलन करेंगे। तो देखिए ये जो छात्र हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने मांगों को लेकर सड़कों पे उतरे हुए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह की सरकार की नियमित भर्ती होती है उसको सरकार नियमित भर्ती को जारी रखे और इस जो चार साल की जो भर्ती प्रक्रिया है अग्निपथ उसमें भी कुछ संशोधन करे। मैं पटना से अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब के सिटी टीवी के लिए।